प्रधान जी, जो मामला है ये जींद जिले का, तो इसमें जांच कितने क्या हो, किस तरह हो रही जांच, क्या जांच से संतुष्ट है आप लोग? बार बार विरोध कर रहे और बार एसोसिएशन है, जो वकील है उन्होंने भी इस केस को लेने से मना कर दिया। भाई बिल्कुल हम कोई जांच से संतुष्ट नहीं थे। 10 मई को हमने पंचायत भी बुलाई थी और पंचायत के माध्यम से हमने 3 प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसमें जो जाँच में खामियाँ छोड़ी है पुलिस ने, उस त्रुटियों को दूर करे, SPDC से मिला जाएगा और बार एसोसिएशन से अनुरोध किया जाएगा भाई पैरवी के लिए कोई वकील मुहैया ना करवाए। और एक प्रस्ताव मारा था कि आरोपी को तो पकड़ लिया, लेकिन आरोपी के जो सहयोगी रहे हैं प्रिंसिपल के, चाहे वो स्टाफ मेंबर हो, चाहे शिक्षा विभाग के कर्मचारी या अधिकारी हो या कोई राजनेता हो, उनको भी गिरफ्तार किया जाए, शामिल तफ्तीश किया जाए। लेकिन कल हमने DC साहब से भी मिले और SP साहब से भी मिले, हमने जो खामियां थी वो भी DC साहब को बताई, SP साहब को बताई और DC साहब से हमने मांग की है कि इसकी न्यायिक जांच करवाई जाए। उसके लिए DC साहब ने मुख्यमंत्री को लेटर लिख दिया। तो इसके अलावा हमने DC साहब के पास मांग रखी है कि जो आरोपी प्रिंसिपल के सहयोगी है उनको सस्पेंड किया जाए और उनको जाँच में शामिल किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। इस बात के लिए भी DC साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी ही कार्रवाई हो जाएगी। और बहुत सारी जो खामियां थी हम आपके चैनल के माध्यम से बता भी नहीं सकते, हमने जो हमारे बात जो संज्ञान में आई थी वो सभी बातें DC साहब को और SP साहब को बताने का काम किया है। और SP साहब ने भी आश्वासन दिया है और DC साहब ने भी आश्वासन दिया है कि इन बातों पर ज़रूर संज्ञान होगा, देखो उसमें क्या होता है। वरना हमने प्रशासन को चेतावनी भी दी है, अगर सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई, अगर कहीं भी हमें ये दिखाई दिया कि लिपापोती हो रही है, तो हम पूरे हरियाणा की खाप पंचायतों की, किसान संगठनों की और सामाजिक संगठनों की फिर दोबारा एक महापंचायत बुलाएंगे और उसमें कोई बड़ा निर्णय लेने का काम करेंगे। और जैसे एक प्रश्न किया कि बार एसोसिएशन से हमने अनुरोध किया था, बार एसोसिएशन ने हमारा वो अनुरोध पत्र स्वीकार कर लिया, उस पर तुरंत प्रभाव से मीटिंग बुलाकर बार एसोसिएशन ने फैसला कर दिया, मतलब इकट्ठे हुए थे सारी बार के ये मुकदमा है 310, इस मुकदमे के अंदर आरोपी गण को की कोई पैरवी नहीं की जाएगी, कोई वकील मुहैया नहीं करवाया जाएगा। इस फैसले का बार एसोसिएशन का जो फैसला लिया है, इसका हम हृदय की गहराई से बार एसोसिएशन का स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं कि समाज के हित को देखते हुए, मामले की संगीनता को देखते हुए बार एसोसिएशन तुरंत एक्शन लेकर ने और इनकी लड़कियों की नाबालिग जो संगीन आरोप थे इन बातों को देखते हुए तुरंत फैसला लिया है। तो बार एसोसिएशन का आपके चैनल के माध्यम से भी मैं पुण्य फिर धन्यवाद भी करना चाहूँगा और आभार व्यक्त भी करना चाहूँगा। कितनी लड़की है प्रधान जी जो अभी तक सामने आई है? देखो लड़कियाँ, 5 लड़कियों के बयान आए थे, लेकिन हमारे को जो हमने ये बार एसोसिएशन ने जो फैसला लिया कि वकील मुहैया नहीं करवाएंगे पैरवी के लिए आरोपी गण की, दूसरा जो यहाँ से खाप पंचायतों का लड़कियों को समर्थन मिला, सहयोग मिला और साथ मिला, इसका आश्वासन मिला, उनके परिवारजनों ने और लड़कियों ने आगे आके ने 4 लड़कियों ने आज भी बयान देने का काम किया है, जिससे मैं कहूँगा कि लड़कियों के अंदर हौसला बढ़ा है। और हम दूसरे अभिभावकों से भी अपील करना चाहते हैं कि ये दोषी, इस प्रकार का दोषी चाहे कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। आप निष्पक्ष बिना डर बह के आगे आकर ने अपने बयान दर्ज करवाइए, समाज आपके साथ खड़ा है, खाप पंचायतें आपके साथ खड़ी है, सामाजिक संगठन आपके साथ खड़े हैं और अब तो वकीलों का साथ समर्थन सहयोग का भी हमें पूरा समर्थन मिला है। इसलिए घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना घटे, क्योंकि हम अपनी लोकलाज के भय से, इज्जत के भय से के कारण हमारे कुछ अभिभावक सामने नहीं आते, लोकलाज से डर जाते हैं। इसलिए डरने की और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब आपके साथ है, पूरा समाज आपके साथ है। तो कोई बड़ा नेता ही बताया जा रहा है कि ये इसके संरक्षण में है? बिल्कुल, एक बड़े नेता का इसके ऊपर हाथ है और वो नहीं चाहता कि इस मामले की गहनता से जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसी हमारे समाज को वो नेता दो फाड़ करना चाहता था। जिस प्रकार की घटना आपने देखा हुआ जंतर मंतर पर हमारी खिलाड़ी बेटियाँ बैठी थी, वहाँ पर इसी प्रकार के उच्छेद हथकंडे अपनाए गए थे कि कुछ लकड़ भगों ने दूसरे तरह के बयान दे दिए थे, जिससे ये भी प्रचार किया कि सभी
फूट होगी। वही ड्रामा यहाँ पर भी खेला जा रहा था, लेकिन उस ड्रामे को हमने नाकाम कर दिया। उस ड्रामे को जो आज का ये कल जो फैसला लिया बार एसोसिएशन ने, बार एसोसिएशन के साथियों के कारण कहूँगा मैं तो, इस और खाप पंचायतों के कारण और सामाजिक संगठनों के कारण और किसान संगठनों की जो जागरूकता थी उसके कारण हमने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया। हम किसी भी तरह से इस समाज को ना खंडित होने देंगे और बेटियों की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे और उस दोषी को अपराधीगण को सजाई दिलाने का काम करेंगे। सिक्किम जी क्या कुछ कहना चाहोगे? जो मामला चल रहा है काफ़ी टाइम लग गया इसमें। नहीं, इस मामले में तो ये बात यही कहना चाहूँगी कि सबसे बड़े तो दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए, हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी बेटियों का जो शोषण हो रहा है, 60 बेटियाँ जब नीचे की जो इकाई है वहाँ से उनको इंसाफ नहीं मिलता, तो एक राज्यपाल, एक महिला आयोग, एक राष्ट्रपति को लेटर लिखते हैं, उसके बाद भी इस मामले में लिपा पोती है। इसमें बहुत सी कमियां हैं, उन कमियों को हमने डीसी और एसपी को मतलब बताने का काम किया है। आज भी बेटियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, पैसे देने का लोभ दिया जा रहा है, उनके माँ बाप को तोड़ने का कोशिश की जा रही है, जो सामाजिक दबाव बनाया जा सकता है। हम सरकार से कहना चाहते हैं, हमने कल पुलिस विभाग से भी कहा था, सबसे पहले तो स्टाफ बदल दीजिए, 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक पूरा स्टाफ बदल देना चाहिए, क्योंकि ये तो वही काम हो गया भाई, मतलब चोरी भी होगी और वो डाकू उसके सिर के ऊपर खड़े हैं। दूसरी बात, जो सहयोगी थे उनको आज तक आरोपी बना के गिरफ्तार नहीं कराया। हमने कल भी कहा था भाई आरोपी बना के उनको गिरफ्तार करो, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे, आमने सामने नहीं होंगे, तो बयान में नहीं हम वो सच्चाई निकाल पाएंगे जो सच्चाई निकालनी चाहिए। दूसरी बात, जो डीओ है, बीओ है, जो अधिकारी है जिनको लेटर सेंक्शन किया गया था, उनको भी आरोपी बनाया करने अंदर रखा जाए, ताकि दोबारा यदि कभी कोई ऐसी शिकायत आए तो जो आला अधिकारी है वो अपनी जिम्मेवारी सुनिश्चित करे। तीसरी, एक ICC की कमेटी होती है हर जगह, जहां 10 से ज़्यादा या महिला कोई काम करती हो या पढ़ती हो, ICC की कमेटी यहां नहीं पाई गई। मैंने इस बारे में अभी पता किया 1 घंटा पहले, यदि ICC की कमेटी नहीं है तो उसका जवाब भी डीओ और बीओ ही देगी, और यदि नहीं देगी तो उसको कोर्ट में घसीटने का काम बेटियां करे ना करे मैं अपने एनजीओ के थ्रू जरूर करूंगी, क्योंकि उसकी कमी की वजह से आज ये मान सकते हैं कि हमारी हजारों बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है और उसका नुकसान हमारे आने वाली जो बेटियां हैं उनको भी होगा। एक बात बताओ, जब इतना भ्रष्ट इंसान था, आप लोगों को पता है हर एक का एक करेक्टर, चाहे बच्चा हो चाहे मतलब हमारा कोई बड़ा अधिकारी, जब हम लगाते हैं वहाँ सिचुएशन को देख के उसका एक करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, पर सबने पता था ये कैसा है, उसके बावजूद इसको सैंक्शन किया गया एक बड़े राजनेता के दम पे, और राजनेता के दम पे आज भी ये बचने की कोशिश कर रहा है। तो हम उस राजनेता को कहना चाहते हैं कि हम भी अब की बार आर पार पे हैं। उचाणा के अंदर यदि आप लोगों ने ये नहीं माना कि इन बेटियों को इंसाफ नहीं मिला, तो हम इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का काम करेंगे, और आज भी जो दबाव बेटियों के ऊपर बनाया जा रहा है इस दबाव को कम करें। और हमने कल भी SP और DC साहब को कहा था कि पहले नंबर एक स्टाफ बदल दिया जाए, दूसरा सहयोगी है या जिनके पास लेटर दिया रहा उनको आरोपी घोषित करके अंदर किया जाए, जब तक अंदर नहीं किया जाएगा पूरी तरह स्थिति क्लियर नहीं होगी। जांच तो चल रही है मैम, आज भी जो अधिकारी है, शिक्षा अधिकारी पहुंचे हैं वहाँ, आपने पता होगा अभी क्यों लग रहा है, क्योंकि जो मेरे को रिपोर्टें मिली है, रिपोर्ट इतनी भी मिली है कि एक एक को अंदर बुलाया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। बेटियों को आज तक भी स्टाफ ये कहता है कि आप क्यों चंडीगढ़ के चक्कर काट रहे हो, इन चीज़ों से कुछ आना जाना नहीं है, आपकी बेइज्जती होगी, आपने शादी करनी है, आपसे कोई अच्छा लड़का शादी नहीं करेगा, स्टाफ के ये विचार हैं। तो मैं ये इसीलिए कह रही हूँ कि एक तो इस स्टाफ को बदला जाए, और दूसरा जो ये जाँच अधिकारी आते हैं, सरकार को ये लग रहा है ये बहुत बड़ा मामला है, और यहाँ से जो दो दिग्गज नेता 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके गले की फांस बना हुआ है ये केस, तो इसको दबाने का काम कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं हिसार की तरह, जो रैन बसेरा है, रैन बसेरे का एक केस आया था रोहतक के अंदर, उसको दबा दिया गया था, वही हालात ये है, इसको दबाने का काम किया जा रहा है और हम इसको दबने नहीं देंगे। आपने बयान की बात की जी, बयान तो एक एक के होते हैं। नहीं, एक एक के होते हैं, जब उसकी माँ गई है तो उसके ऊपर प्रेशर क्यों बनाया जाए, वो जो अपनी स्थिति बताना चाहते हैं, कम से कम जो उस माँ बाप जो उसके पेरेंट्स हैं वो संतुष्ट होने चाहिए, पर वो संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं हो रहे, संतुष्ट ना होके वो मतलब खिंच के बाहर निकल रहे हैं, ये चीज़ आप लोगों ने भी देखी है, पर वो ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा देखी है, और हमें भी वो रिपोर्टें मिल रही हैं। आजादी क्या अपील करना चाहोगे जो बार एसोसिएशन है? भाई जिस तरीके से जींद बार एसोसिएशन ने खाप पंचायतों, किसान संगठनों और सामाजिक संगठनों के अनुरोध पत्र पर तुरंत वकील मुहैया ना करवाने का आरोपीगण के खिलाफ फैसला लिया, उसी प्रकार से हम आपके मीडिया के माध्यम से हरियाणा बार एसोसिएशन से भी अपील करना चाहते हैं कि वो भी जो ये छात्रों वाला मामला है, 310 मुकदमा नंबर
डेट 30/10/2023। इस मुकदमे में इस प्रिंसिपल को और सहयोगियों को कोई वकील मुहैया ना करवाने का काम करे, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है, हमारी नाबालिग लड़कियों से जुड़ा हुआ मामला है, बड़ा संगीन मामला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। एक चीज और जी, मैं चाहूंगी कि जो बेटियां और जो पेरेंट्स अंडर प्रेशर है या कोई किसी कारण उनको लगता है कि हम उनका सहयोग कर सकते हैं, तो आपके चैनल से हमारा नंबर लेके या कैसे भी वो हम तक पहुंचने का काम करे। और जो बेटियां, कुछ बेटियों की शादी हुई है, उनसे दो से मेरी बात हुई है कल, उन्होंने कहा कि हमारी आत्मा को शांति मिली, हम भी इसी परिस्थिति से गुजरे थे पर हम उन चीजों को बता नहीं पाए, क्योंकि कारण यही था कि एक तो हम निम्न परिवार से थे, दूसरा यदि हमने किसी को बताने की कोशिश की गई तो परिवार ने यह कहा कि चुप रहो, हमारी बेइज्जती होगी। तो उन बेटियों से मैं कहना चाहती हूँ कि भाई आप हम तक ना पहुँचे, यदि आपको ये लगता है कि हम तक पहुँचते हैं, आप पुलिस तक पहुँचिए, अपनी FIR दर्ज कीजिए, क्योंकि इसमें जितने महिलाएं या जितनी बेटियां आगे निकल के आएंगी, वो आगे जैसे कोई BA सेकेंड ईयर में है, कोई BA में है, कोई कुछ कर रही है, कोई पढ़ रही है, कोई नौकरी भी कर रही है, किसी की शादी भी होगी, वो भी अपने बयान दर्ज कराने का काम करे, और जो माँ बाप है वो अपने बेटियों को सहयोग करे, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करे, तोड़ने का काम ना करे। कई बार ऐसी भी बातें आई है कि बेटियां तो इस केस को लड़ना चाहते हैं पर माँ बाप शर्म की वजह से पीछे हट रहे हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है, ये सिर्फ आपकी बेटियों का मामला नहीं है, आप तो बड़े सौभाग्यशाली माता पिता हो जो आपकी बेटियों ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, आपकी वजह से आने वाली पीढ़ियां भी हमारी बच पाएंगी। हमसे जो सहयोग चाहिए, जो उचाना किसान मजदूर मोर्चा, इससे जो सहयोग चाहिए, मुझसे पर्सनली कोई सहयोग चाहिए, आपको किसी तरह की और कोई समस्या है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, और आप डरिए मत, आपकी किसी तरह की कोई शिनाख्त, जबकि बहुत से लोग जो संपर्क में हमारे किसी से कोई शिनाख्त नहीं कर रहे, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, गाँव का नाम नहीं ले रहे, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है या जो आप पे बीत रही है, वो हमें बताने की काम कोशिश कीजिए, ताकि हम मीडियम बता सकें और इसका कोई ना कोई सलूशन निकाल सकें और इस ट्रैक पे पहुंचाकर इसको न्याय तक पहुंचा सकें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।